हेलो दोस्तों, प्राइमेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं, दोस्तों ये जो एलजी के कार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा चलते हैं ये कार्ड, आपको कहीं ना कहीं इसकी कंप्लेंट आपको मिल ही जाएगी। तो आप अगर न्यू हैं, न्यू मतलब इन्वर्टर फ्रिज का, इन्वर्टर जो सीरीज हैं, जो फ्रिज हैं हमारे इन्वर्टर सीरीज, उसका अगर आप काम करने जा रहे हैं तो किस तरीके से आप इसमें पहचानेंगे कहाँ कितने बोल्ट आते हैं और ये हमारा किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से ये इसमें वेटिंग टाइम होता है, किस तरीके से, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक सैमसंग का कंप्रेशर है, लेकिन एलजी से ये चल जाता है। तो यहाँ पे आपको वायरिंग जो मिलेगी एलजी की, तो आपको इस तरीके से वायरिंग मिलने वाली है। एक बॉक्स में आता है, टीन के बॉक्स में आता है, तो आपको वायरिंग इस तरीके से मिलने वाली है। ये जो हमारा जैक होता है यहाँ फ्रेंड, ये जो जैक है वो इस तरीके से हमारा लग जाता है। और जैसे ही हम जैक लगा लेते हैं तो यहाँ पे उसके पास ही एक ओवरलोड होता है। ये कंटिन्यूटी आप यहाँ पे चेक कर लें, पहले मैं इसको अभी बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तीन आपको जैक मिलेंगे। यहाँ पे इसमें जैक का एक फ़ायदा ये होता है कि आप इस जैक को दूसरे में लगाना चाहेंगे तो वो नहीं लगेगा, किसी में भी नहीं लगेगा, ये जिसका है उसी में ये लगने वाला दोस्तों। तो यहाँ पे ये AWB नंबर होता है, यहाँ पे WBU यहाँ पे जो होता है कंप्रेसर के लिए, यहाँ पे ये लग जाएगा, दूसरे में नहीं लगेगा। और दूसरा बात, ये आपका जो है यहाँ पे रहा, ये दूसरे में लगाएंगे तो नहीं लगेगा, जिसका है उसी में लगेगा, ये इसमें एक अच्छी बात होती है। और दूसरा हमारा ये, और ये रहा हमारा इस तरीके से दोस्तों, ये आपकी वायरिंग आपको इस तरीके से मिलने वाली है दोस्तों। अब यहाँ पे कितने बोल्ट हमारे आते हैं, कहाँ कितने बोल्ट आते हैं एसी के, तो ये हमें पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे सैमसंग वगैरह में क्या होता है, यहाँ पे एक ही सप्लाई दी होती है, लेकिन इसमें दो दो सप्लाई दी हुई हैं। यहाँ पर दो सप्लाई से ऑपरेट होता, मतलब एसी ही बोल्ट यहाँ पर दो जगह जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से आपको पीछे की साइड में मिलने वाला है, ये हमारा कंप्रेसर है, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमें बोल्ट चेक नहीं करने हैं। यहाँ पे आप देखोगे, ये आप देखोगे ये 220 एसी सप्लाई एक यहाँ पे जा रही है इसमें, और दूसरी आपकी 220 सप्लाई एक यहाँ पे जा रही है। आप देखोगे यहाँ पे 220 और आपकी जो है यहाँ पे 220, और यहाँ पे जो है आपकी ओवरलोड है। ये यहाँ पे आप, यहाँ पे अगर आपकी ओवरलोड ख़राब हो जाती है तो आप इसको टच भी कर सकते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक अर्थिंग का तार है, ये जो बॉडी में टच होता है ये अर्थिंग होती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये अर्थिंग होती है। ये आप देखें दो वायर जो हैं ये हमारी ओवरलोड के हैं, ये जो हमारी ओवरलोड आ रही है, ये दो वायर जो हैं ये हमारी ओवरलोड के हैं। यहाँ पर आपको जो कार्ड मिलेगा वो इस तरीके से उसमें रखा हुआ मिलेगा, ये इस तरीके से। तो हमें जो चेक करने हैं वो 220 वोल्टेज यहाँ पर चेक करने हैं और 220 वोल्टेज हमें यहाँ पर चेक करने हैं। दोनों जैकों पर हमें 220 वोल्टेज चेक करने हैं और यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो आप इस जैक को अर्थिंग का तार छोड़कर यहाँ पे आप इनको दोनों को आपस में टच करके कंप्रेसर चला सकते हैं, मतलब फ्रिज रनिंग में आ जाएगा अगर ओवरलोड ख़राब है तो। लेकिन ओवरलोड ज़्यादातर में ख़राब नहीं होता है। तो अब इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं, एम्पियर इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं बोल्ट नाप कर, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ आ सके। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जब आप किसी भी कस्टमर के घर जाते हैं इन्वर्टर फ्रिज करने, एलजी का हो या सैमसंग का कोई सा भी हो, तो सबसे पहले उसकी हम वर्किंग देखते हैं, उसके अंदर करंट जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा है तो हम सबसे पहले वायरिंग चेक करते हैं या फिर उसमें जो जैक वगैरह होते हैं वहाँ पर हम बोल्ट चेक करते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ हमारे इसमें कार्ड में प्रॉब्लम है या कंप्रेसर में प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है हमारा ओवरलोड। तो अगर मान लीजिए आपका मेन प्लग से करंट अंदर जा रहा है, मतलब कि उसका फ्रिज का अंदर बल्ब होता है, उससे हमें पता चल जाती है कि हाँ उसमें वायरिंग से जो है हमारा मेन प्लग से करंट फ्रिज के अंदर आ रहा है, अब कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसको कंटिन्यूटी पर लगाएंगे। कंटिन्यूटी देख लेते हैं, ये कंटिन्यूटी हमारी आ रही है और यहाँ पर हम जो हमारा ओवरलोड है इस पे हम इस तरीके से हम इस पे दोनों पिनों को लगाएंगे तो हमारी जो कंटिन्यूटी है वो हमारी आ रही है, मतलब कि ओवरलोड हमारा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कोई वायरिंग में यहाँ से ओवरलोड से और यहाँ तक कोई फॉल्ट तो नहीं है या फिर कोई वायरिंग ख़राब तो नहीं है, तो यहाँ पे हमारी दोनों पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो ये हमारी कंटिन्यूटी यहाँ तक आ रही है, मतलब ओवरलोड यहाँ से और यहाँ तक का बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद हम इसको इस तरीके से रखते हैं और यहाँ पे 220 वोल्टेज देते हैं। दोस्तों यहाँ पे 220 वोल्टेज मैं देने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 220 वोल्टेज दे दी है। और आप यहाँ पे एक बात नोट करनी है आपको, यहाँ पे एक जैसे ही मैं मेन प्लग लगाऊंगा यहाँ पे एक हल्का सा टक्स टाइप से यहाँ पे एक एलईडी ग्लो होगी, तो इसका मतलब यह है कि कार्ड के अंदर भी हमारा करंट जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो एलईडी है यहाँ पे एकदम ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे,
आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन कलर की यहाँ पे एलईडी हमारी ग्लो हुई है। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये इसका एक पहचान है कि हाँ इस पीसीबी के अंदर करंट हमारा अंदर जा रहा है। अगर ये एलईडी हमारी नहीं जलती है किसी वजह से, तो आपका या तो इसके अंदर जो है हमारा मेन सप्लाई नहीं जा रही है, 220 वोल्टेज नहीं जा रहे हैं, या फिर हमारा ये आखिर कार्ड ख़राब है लास्ट में। अगर वोल्टेज आपके ये हरी टाइप से इस टाइप से ग्लो हो रही है लाइट, तो हमारी 220 वोल्टेज अंदर जा रहे हैं। अगर ये ग्लो नहीं होती है तो 220 वोल्टेज अंदर नहीं जा रहे हैं, या फिर हमारा कार्ड डैमेज है। तो इसको दोबारा से लगाता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे, ये देखें आप इस तरीके से गई है। और यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे मेरे बोल्ट यहाँ पे 220 वोल्टेज अंदर जा चुके हैं। मैं इसको यहाँ पे देखते हैं हम कि 220 वोल्टेज हमारे यहाँ पे आएंगे दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको 220 पे लगा लेता हूँ एसी पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 220 वोल्टेज यहाँ पे 230 240 जो भी आपके आ रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो करेंगे, यहाँ पे करेंगे और दूसरा आपको यहाँ पे करेंगे दोस्तों। दोनों जगह आपको 220 वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 220 और यहाँ पे 220, उसके बाद कोई सप्लाई हमारी एसी की कहीं नहीं जाएगी। 220 और यहाँ पे 220, आपके कहीं पे भी 220 अगर नहीं आ रहे हैं तो पहले इसको सही कीजिए, उसके बाद ही आप जो है इसमें आगे कुछ भी आप चेक करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हो चुका है, अब यहाँ पे 220 वोल्टेज हमारे आ चुके हैं। अब उसके बाद जो है आप मेन प्लग हटाइएगा। मेन प्लग हटाने के बाद एक बार आप कंप्रेसर को चेक कीजिएगा। कंप्रेसर चेक करने का तरीका ये है, आपको मैं बता चुका हूँ, जो कंटिन्यूटी है यहाँ पे, इसको मैं सीधा यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे रखता हूँ मैं इसको। और कंटिन्यूटी मोड पे रखने के बाद आप देखोगे यहाँ पे तीनों टर्मिनल पे हमारे एक सी वाइंडिंग होनी चाहिए, मतलब कि कंटिन्यूटी जो है हमारी एक सी आनी चाहिए। ये देखें आप, ये देखें आप, और ये देखें, मतलब तीनों पे हमारी सेम कंटिन्यूटी आ रही, अर्थिंग हमारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अर्थिंग चेक करते हैं तो अर्थिंग भी हमारी नहीं है, मतलब इस कंडीशन में क्या है, हमारा कंप्रेसर सही माना जाता है। अब कुछ लोग ऐसा होता है कि हाँ हमारी कंटिन्यूटी ठीक है, लेकिन कार्ड से वो इसमें जो वेटिंग होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें वेटिंग करीब आपको 10 से 15 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, तभी कंप्रेसर स्टार्ट होगा। मतलब कि इस जैक को हमें लगाए रखना है इस तरीके से, और मेन प्लग को हमें लगा देना है। मेन प्लग लगाने के बाद यहाँ पे 10 से 15 मिनट करीब वेट करेंगे हम, उसके बाद हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो कंप्रेसर चल जाएगा। लेकिन नहीं होता है कंप्रेसर स्टार्ट, तो यहाँ पे जो लाइट है हमारी, ये वाली जो लाइट है जो आपने देखी थी, वो वाली ग्रीन जब हमने पावर दी थी, तो उस वो लाइट हमारी ग्लो हो जाती है। मतलब कि वो बार बार इस टाइप से वो जलने बुझने लगती है, इस टाइप से कभी जलेगी कभी बंद होगी कभी इस टाइप से वो जलने लगती है। तो उसका मतलब ये है कि कंप्रेसर हमारा जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है, या तो कार्ड के अंदर खराबी है या फिर हमारे कंप्रेसर के अंदर खराबी है। अब कंप्रेसर को चेक करने के लिए क्या होता है, हमारे एक अलग से डिवाइस होती है, वो भी आप ले सकते हैं, या कोई सैमसंग का कार्ड हो उससे भी, सैमसंग एलजी का, दोनों कंप्रेसर हमारे चल जाते हैं। तो ये जो है अंदर से क्या होता है, वाइंडिंग कभी ख़राब नहीं होती है कंप्रेसर की, कभी होता है 100 में से करीब 5 ऐसे कंप्रेसर होंगे जिसकी वाइंडिंग ख़राब होती है, वरना तो इसमें क्या होता है कंप्रेसर जाम हो जाता है पिस्टन से, ये पिस्टन की वजह से जाम हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो इस पर आप ऐसा ना करें कि कभी कंटिन्यूटी आपकी बिल्कुल सेम आ रही है तो सोचें आपके बिल्कुल हाँ हमारा कंप्रेसर सही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिस्टन जो है इसकी जाम हो जाती है, कई कंप्रेसर मैंने काट के देखे हैं तो उस कंडीशन में भी कंप्रेसर जो है हमारा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमने जैक वगैरह लगा दिया है, अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो मेन प्लग है वो लगाते हैं, और यहाँ पे करीब हम 20 मिनट या 15 मिनट 10 मिनट हम वेट करते हैं। उसके बाद ही 10 से 15 मिनट आपको वेट करना ही करना है इन कार्ड के एलजी के अंदर, सैमसंग में 3 मिनट का होता है। तो यहाँ पर मैं इसको पुश करता हूँ और यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और देखते हैं हम कंप्रेसर स्टार्ट होने तक का वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो है हमारा कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको साउंड में सुनाई देता हूँ, यहाँ पे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से आपको साउंड आ रही होगी। तो यहाँ पे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया करीब, यहाँ पे हम 10 से 12 मिनट करीब ये स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे सब कुछ हमारा सही है, इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैं हटाता हूँ और मैं आपको एक बार और बताता हूँ, यहाँ पर 220 वोल्टेज आएंगे और आपके यहाँ पे 220 वोल्टेज आएंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो एक तार जो है यहाँ से एक डायरेक्ट होता है और एक हमारा थर्मोस्टेट में से होता हुआ आता है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो थर्मोस्टेट को भी एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो इस तरीके से आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं आप
कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है। आगे भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इसी तरीके से दोस्तों, इसी तरीके से मैं आगे भी अपडेट करता रहूँगा। और आपको इसी तरीके से नई सही वीडियो चाहिए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करें, और कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए यूट्यूब में, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फो साथ। ओके बाय।